Allahumma. Allahumma. Inni. Inni. Lakasumtu. Lakasumtu. Wabika. Wabika. Amantu. Amantu. Wa alaika. Wa alaika. Tawakkaltu. Tawakkaltu. Wa ala. Wa ala. Rizkika. Rizkika. Aftartu. Aftartu. Now eat you. Okay. वेलकम व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम आपको फेमस टिकटॉकर जनत मिर्जा के बारे में एक सैड न्यूज़ बताएंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आप लोग ये जानते ही होंगे कि ये जितने भी शोबिज इंडस्ट्री के सितारे हैं, ये जितना खुश टीवी पे नजर आते हैं, असल जिंदगी में उसके बिल्कुल बरअक्स बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। हमें इस बात का इल्म नहीं होता कि वो कितने दुख में है, लेकिन उनके फैंस को तब पता लगता है जब वो कोई इंतहाई कदम उठा लेते हैं, कोई ऐसा कदम उठाते हैं जो कि उनके मद्दाहों को, दोस्तों को तकलीफ में डाल देते हैं और वापसी का कोई रास्ता मुमकिन नहीं होता। ऐसी मिसालों से ही शोबिस इंडस्ट्री भरी पड़ी है। कई ऐसी अदाकाराएं जिन्होंने खुदकुशी कर ली शोहर और दौलत होने के बावजूद, उनके फैंस यही सोचते रहे कि इन्हें किस चीज की कमी थी, इनके पास तो दौलत भी थी और शोहरत भी। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। व्यूवर्स, हम आज बात करने वाले हैं जनत मिर्जा की, जिन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की है और उनकी ये न्यूज हॉस्पिटल से लीक हुई। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि जनत मिर्जा ऐसा कदम उठाएंगी, क्योंकि जनत मिर्जा पाकिस्तान की वो टिकटॉकर है जो कि सब तमाम टिकटॉकर्स में से सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रखती हैं। इनकी शोहरत का बायस टिकटॉक ही है, और इसके अलावा ये उमर बट के साथ वीडियोस बनाती थी और इन्होंने कई दफा अपने फैंस को ये भी बताया था कि उनके साथ रिलेशन में है। टिकटॉक को बेहाई के वजह इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि कई बड़े सितारे टिकटॉक पर बगैर रिलेशन के कपल्स बनकर वीडियोस बनाते हैं, जिस वजह से टिकटॉक को बेहयाई का बायस समझा जाता है। ये तो अब आम सी ही बात है कि टिकटॉक पर लड़का लड़की कपल बनकर वीडियोस बनाते हैं और बगैर किसी जायज रिलेशन के साथ रहते हैं, लेकिन व्यूवर्स, बगैर रिलेशन के जिंदगी में बेसुकूनी ही होती है, यानी हमें जिंदगी के सुकून के लिए जिंदगी में हलाल रिलेशन बनाना जरूरी है। जनत मिर्जा जो की उमर बट के साथ रिलेशन में थी, लेकिन उनके साथ ब्रेकअप करने के बाद बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गयी। जनत मिर्जा ने अपने इस इंतहाई कदम के बारे में बताया इंटरव्यू में कि वो इसके बाद और ज्यादा मजबूत हो गई हैं और अपने अलावा किसी और से इतनी मोहब्बत नहीं करती कि जिसके लिए वो आइंदा के बाद ऐसा कदम उठाएंगी। इसके अलावा उमर बट ने इंटरव्यू में ये कहा कि मैं एक बहुत ही मजबूत घराने से ताल्लुक रखता हूँ, मुझे शोहरत तो टिकटॉक से मिल गई, लेकिन मैं शादी किसी ऐसी ही लड़की से करूंगा जो कि सोशल मीडिया पर नहीं होगी। लेकिन व्यूवर्स, अब भी जनत मिर्जा जब सैड वीडियोस अपलोड करती हैं तो उनके मद्दाहों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि जनत मिर्जा दोबारा से ऐसा कोई कदम ना उठा ले। और जनत मिर्जा के फैंस का ये भी कहना है कि जनत मिर्जा को अब दोबारा ऐसे किसी हराम रिलेशन में नहीं जाना चाहिए। तो व्यूवर्स, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा।